बिसेन ने बयान जारी कर कहा कि कोरोना काल की विषम परिस्थिति से जूझने के बावजूद प्रदेश की सरकार ने शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसान हितेशी और बिना कर बढ़ाकर जो बजट पेश किया है वह प्रदेश का अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट है। इस बजट से बालाघाट जिले को कई बड़ी सौगातें भी मिली हैं। जैसे बड़ी सौगातों में बैनगंगा नदी के जाफपुर घाट पर 12 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण और रेलवे क्रॉसिंग में बढ़ते यातायात को देखते हुए बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में गोंदिया रोड पर आने वाली सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के लिए 52 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर लंबाई का ओवरब्रिज, भटेरा रोड रेलवे क्रॉसिंग पर 24 करोड़ की लागत से 630 मीटर लंबाई का ओवरब्रिज, सिरनी बालाघाट गर्रा रेलवे क्रॉसिंग से 30 करोड़ 68 लाख की लागत से 630 मीटर लंबाई के ओवरब्रिज की सौगात मिली है। बालाघाट बारासिवनी मार्ग पर 40 करोड़ की लागत से 630 मीटर लंबाई का रेलवे ओवरब्रिज की स्वीकृत बजट में मिल गई है। वहीं बेहर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर भी ROB की स्वीकृति मिलेगी, जिसका निर्माण कार्य जल्दी ही प्रारंभ कराया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के लिए वह जिले की जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। यह बात मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर पूर्व मंत्री एवं विधायक गौरी शंकर बिसेन ने कही। पूर्व मंत्री एवं विधायक बिसेन ने बताया कि सरकार ने कोरोना काल में प्रदेश के आम लोगों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कोई नया कर नहीं लगाया है। जहां MBBS और नर्सिंग की सीटों में बढ़ोतरी की है, वहीं नए मेडिकल कॉलेज और 3 कैंसर हॉस्पिटल का भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। पहली बार किसी सरकार ने भूमाफियाओं के कब्जे से 8,800 करोड़ रुपए की कीमती जमीन मुक्त कराई है। और भी कई बातें बिसेन ने कही हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट आया है वह पूर्णतः जनहित के लिए है। इसमें हमारे बालाघाट शहर के लिए लगभग 100 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें शहर के यातायात को दृष्टि में रखते हुए ओवरब्रिज को लेकर जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी वह स्वीकृत कर ली गई है। इसमें गर्रा, भटेरा रोड, बैहर रोड और सरेखा के लिए ओवर भी स्वीकृत हो गए हैं। इसके अलावा जाकपुर रोड में बनने वाली पुलिया भी स्वीकृत हो गई है, जिसके लिए मैं सभी नगरवासियों की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय सांसद महोदय ढाल सिंह बिसेन जी का और क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय श्री गौरी शंकर बिसेन जी का, हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री रामकिशोर कावरे जी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इसके अलावा यह बजट प्रदेश के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति को ध्यान में रखते हुए धनराशि स्वीकृत की गई है। आज मध्य प्रदेश शासन ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में बालाघाट के लिए अनेक उपलब्धियां हैं। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र बालाघाट तथा बालाघाट जिले के लिए जहां एक और अनेक उच्च स्तरीय पुल पुलिया हमें मिले हैं, वहीं रेलवे क्रॉसिंग के ओवर ब्रिज भी हमको मिले हैं। बालाघाट गोंदिया मार्ग सरेखा पर पड़ने वाला जो हमारा रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 52 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ भटेरा चौकी, गर्रा और वारा के पूर्व जो रेलवे क्रॉसिंग है, इन तीनों स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ बालाघाट जाकपुर मार्ग पर वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण के लिए भी बजट में धन का प्रबंधन किया है। और इसलिए मैं इन सब विकास कार्यों में जो खुले मन से हमारी सरकार ने, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे लोक निर्माण मंत्री जी ने और वित्त मंत्री ने बालाघाट को सौगातें दिए, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ और बालाघाट जिले की जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।